फ्रेंड्स, मेरा नाम करण है। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है, देख सकते फ्रेंड्स, मर्फी वाला रेडियो मेरे पास आ गया ऑलरेडी। फ्रेंड्स सेम ऐसे ही मेरे पास ऑलरेडी एक रेडियो ऐसे ही सेम टू सेम था। तो सेम टू सेम ऐसे ही रेडियो था फ्रेंड्स। ये मर्फी का रेडियो है, वाल वाला रेडियो है। आपको स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो आ रहा है, आप देखना ये फ़ोटो किसका है। अंकल का फ़ोटो है, मैंने इनसे बाय किया। लास्ट तक वीडियो देखना, आपको ये अंकल के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने इससे रेडियो बाय किया, क्या क्या चीज़ें ली, मतलब क्या क्या इनको समझाना पड़ा, तब भी जाके मेरे को ये रेडियो उनसे मिल गया। तभी मैं रेडियो के बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। ये ऐसे वाला ये सेकेंड रेडियो है मेरे पास, मतलब ऑलरेडी ऐसा रेडियो मेरे पास था। देखो स्क्रीन के ऊपर मैं और मेरा सेकेंड रेडियो का मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको। तो सेकेंड रेडियो का फ़ोटो दिख रहा है फ्रेंड्स। ये क्यों दिखा रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा ऑलरेडी आया था, मतलब वहाँ से कुरियर से। तो इसका कार टूटा था वो टाइम पे, और इसका बॉडी बीडी थोड़ा टूट गया था। अभी भी इतना ये 100% कंडीशन में रेडियो नहीं है। वो टाइम पे भी मैंने लिया था, वो भी कंडीशन में नहीं था, बंद कंडीशन में था। उसको बनाया, अभी इसके अंदर भी बंद है। तो अंकल को बहुत बहाने बताने पड़े, ये चीज़ बतानी पड़ी। देखो अंकल को वापस एक बार फ़ोटो क्यों बताना चाहता हूँ कि ये अंकल से मैंने बाय किया। वो अंकल ने फ़ोटो भी क्यों, मैं फ़ोटो क्यों बता रहा जान मुझ को, कि अब लास्ट तक वीडियो देखना है तो आपको कुछ नहीं वीडियो के बारे में पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ और क्या नहीं। आप कभी भी चलो ठीक है फ्रेंड्स, अभी वो अंकल की बात बाजू में रखते, फिर रेडियो के बारे में बात करते। ये वाल वाला रेडियो है, ये रेयर है और लकड़ी का रेडियो होता है, मतलब वुडन वाला रेडियो। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है, मैं ज़्यादा करके वुडन वाला ही रेडियो कलेक्ट करता हूँ, किसको शाइन भी ना जाती। मैं इसको अभी इसको पहली बात तो कल ही नाइट में आ गया था, मतलब लेके आया हूँ यहाँ वहाँ से। तो मैं वो टाइम पे इसको खोलने वाला था, कभी भी कुछ भी चीज़ लाता तो इसको मैं पहले चालू करने के चक्कर में होता कि मैं इसको ऑन करूँ और इसको चालू करूँ कि थोड़े ऑन करेगा तो और अच्छा लगता है। कभी कभी लकी ड्रॉ लग जाता है कि कभी रेडियो ऑन भी हो जाता है, कभी कभी नहीं लग जाता है, कभी लकी ड्रॉ होती तो लग जाती है। तो कोशिश करना कि कभी भी चालू करने के चक्कर में मैं बता दूंगा कि वैसे बोल रहा हूँ। इसका कभी भी रेडियो बाइक का टाइम पर देखने का इसका ग्लास टूटा है क्या नहीं टूटा, और इसके ओरिजिनल बटन्स है क्या नई बटन्स है, यहाँ पे ये वाले बटन्स है क्या, अरे पियाने बटन अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ें फ्रेंड्स कभी भी ध्यान रखना। इसका कपड़ा फटा है कि कब नहीं फटा है, ये कैसे मिला मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो दिखाना, अभी मैं लास्ट में बताऊँगा इसके अंदर का बताऊँगा, सब चीज़ दिखाना। और कभी भी रेडियो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताऊंगा, कभी भी बंद वाला रेडियो नहीं लेना, मतलब बंद वाला मतलब आपके पास मैकेनिक हो तभी जाके आप बंद वाला रेडियो लेना। और एक बार तो अपने मैकेनिक को पूछना कि ये रेडियो मैं बाय करूंगा कि उसके बाद आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, तो पूछ के ही लेना रेडियो, नहीं तो ये रेडियो बनने के लिए बहुत टाइम जाता है बनाने के लिए। किसके अंदर के पार्ट्स भी थोड़े मिसिंग रहेंगे तो मिलेंगे नहीं, मेरे पास तो है ऑलरेडी फ्रेंड्स। तो किसको भी कुछ भी पार्ट्स भी चाहिए तो अपने मैकेनिक का नंबर दूंगा, मेरा मैं नंबर मेरे पास तो नहीं है इतनी सारी चीज़ें, मेरे मैकेनिक के पास बहुत सारी चीज़ें। अभी मेरे मैकेनिक ने मुझे बोला कि 5000 के मैंने वाल ही खरीदे हैं, उसने बहुत सारे वाल खरीदे ई सीरीज़ के यू सीरीज़ के। तो मैंने बोला मेरे को एक वाल दे दो, तो अंकल ने बोला कौन से नंबर का चाहिए, तो मैंने उनको ये नंबर का बताया मेरे मैकेनिक को ही। तो बोला कितने पैसे हुए, मेरे को बोला कि तेरे को तेरे से पैसे लेके मैं क्या करूँगा, ऐसे मुझे बोला उन्होंने। चलो ठीक है फ्रेंड्स, कभी भी रेडियो लेते टाइम पे ध्यान रखना है कि बंद वाला रेडियो लेते टाइम पे ये देखना कि अपने पास मैकेनिक है क्या नहीं है। मैकेनिक है तो बंद वाला रेडियो लेना, नहीं तो अच्छा कुछ सा इसको पॉलिश विलिश करके अच्छी तरह अपने डाइनिंग मतलब हॉल में रखना, शो के लिए रखना। अभी तो शो के लिए बहुत सारा रखते हैं लोग, शूटिंग के लिए रखते हैं फ्रेंड्स। अभी तो ये रेडियो मर्फी का मिलता नहीं, मेड इन इंडिया का है फ्रेंड्स, ये मेड इन इंडिया में बना है फ्रेंड्स। और कभी भी इसके चारों कॉर्नर देखना और इसका बैक कवर है क्या नहीं है, नहीं तो इसका शो चला जाएगा फ्रेंड्स। पहली बात तो शो इसका कांच का है, बटन है इसका कपड़ा और बैक कवर है ये, बाकी का चीज़ तो बन जाता है पॉलिश विलिश करके, पर कांच मिलता नहीं है। मैंने एक रेडियो का कांच बनाई है, मैं इसका भी वीडियो डालूंगा। इसका कपड़े का भी देखो कितना अच्छा कपड़ा है इसका, मतलब मुझे पसंद आया, मिलता जुलता है। तो 4 बैंड का है फ्रेंड्स, तो मैं इसका साइड का सब साइज दिखाता हूँ।
अभी देख लेना फ्रेंड्स, मैं इसका मतलब इसका बाकी का चीज़ है, मैं इसको पॉलिश विलिश करा के लाऊंगा तभी भी दिखाऊंगा, इसका ऑन वाला भी दिखाऊंगा, अभी देखना ध्यान से फ्रेंड्स, कभी भी रीडियो लोगे। अब देखो फ्रेंड्स ये थोड़ा अच्छा है, इतना सा उस साइड में भी दिखा देता हूँ, ये सारा सब हट जाएगा फ्रेंड्स, मैं इसको अपने कारपेंटर के पास लेके जाऊंगा, कारपेंटर वाला भी थोड़ा बहुत महंगे लेते हैं अभी पैसे, लॉकडाउन के चक्कर के बाद सब लोग पैसे बढ़ा दिए। ये सारे फ्रेंड्स में ये सन माइक है, इसका मतलब आ रहा है वो सारा हटा दूंगा, देखो यहाँ पर भी निकल रहा है, ये भी सारा फ्रेंड्स निकाल दूंगा। अभी इसकी खास करके लास्ट में मैं कुछ बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, मैं इसका बैक साइड देखा था और बैक साइड में क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, क्या क्या नहीं मिसिंग है। इसके अंदर तो फ्रेंड्स कुछ मिसिंग नहीं था, बस एक ही वाल था मतलब मिसिंग था, वो फूट गया था, मैं वो निकाल के आपको वो ही बताने वाला था कि इसके अंदर का वाल क्या प्रॉब्लम था। देखो इसको फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर इसके स्क्रू लगे हैं, तो कोई इसको कोशिश किया इसे उकाड़ने के लिए, तो देखो इतना पार्ट्स उसका ख़राब हो गया, मतलब अभी उसको मेरे को बनाना पड़ेगा, इतना कवर फिट करके आता है फ़ोटो के पीछे आता है ना अपने फ्रेम के फोटो आते हैं, उसको कट करके आराम से इसको पेज बीज करके अच्छी तरह नहीं देखेगा, तो मैं कर दूँगा, तो कभी भी इसका ओरिजिनल कवर होना चाहिए। इसका मॉडल नंबर है फ्रेंड्स मर्फी 766, ये आ जाएगा तो कल वीडियो आ जाएंगी इसकी। इसका उड़न का काम करना पड़ेगा, और देख सकते हैं इसका मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा, देखो मर्फी, इसका मॉडल नंबर है 776MK2, रोमन नंबर में लिखा है फ्रेंड्स, ये मैं इसको साइड में रख देता हूँ। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इसके अंदर वाल लगे ना फ्रेंड्स, इसके अंदर पूरी अच्छी कंडीशन में है, इसके आई मैजिक भी ऐसे लटक रहा था, तो मैंने कहा इसके अंदर एक स्प्रिंग यहाँ पे लगी रही थी अंदर, रेडियो को बारे में पता रहेगा वो ही पता रहेगा, इसके अंदर स्प्रिंग निकल के गिर गई थी, वो स्प्रिंग भी मैंने साइड में लगा, ये फूट ना जाए, तो उसके लिए मैंने एक पंच होता है उसके अंदर उसको रैप करके रखा कि ये आई मैजिक ऐसे ही मेरे बहुत सारे फूट गए थे, इसके आगे पॉइंट होता है, ये कैसे पॉइंट है वैसे एक पॉइंट होता है, तो किधर नीचे लग के फूट जाता है, तो ये आई मैजिक ना फूटने के लिए मैंने उसके अंदर एक ये लगा दिया पंच। अभी दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये वाला ECH81 ये फूट गया था इसे पूरी तरह, वो वाल मैं आपको दिखाने के लिए खास रखा था, पर मैंने निकाल के उसको साइड में रख के थोड़ा चेक करा था कि क्या क्या इसमें मिसिंग है, क्या क्या नहीं मिसिंग है। ये दूसरे ये वाला ये रेडियो का ये वाल नहीं है फ्रेंड्स, यही नंबर का, अपन ये दूसरा रेडियो का निकाल के मैंने यहाँ पे लगाया कि चेक करने के लिए ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स ऑन तो नहीं हो रहा, मैं इसको पूरा निकाल के बाहर थोड़ा ब्लो मशीन मारने के बाद ही उसको कोशिश करूँगा कि ऑन करने के लिए क्या क्या फॉल्ट है। छोटा मोटा ही फ्रेंड्स मुझे काम आता है, इतना मैं मैकेनिक तो नहीं हूँ, तो छोटा मोटा मतलब यहाँ वहाँ से वायर थोड़ा ब्रश भी से साफ करने से, सच बोल रहा हूँ कि झूठ नहीं बोला कि मैं मैकेनिक तो नहीं हूँ, बस मैं रेडियो कलेक्ट करता हूँ और रेडियो के बारे में छोटी मोटी जानकारी हो आपको बताता हूँ, और आपसे कुछ सीखने को मिलता है कमेंट बॉक्स में आप बताते तो बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरी बात फ्रेंड्स, कभी भी मैंने कुछ भी बोला कि मुझे ये देना है वो देना है, तो आपने बोला आपका नंबर दो, तो नीचे बहुत जन ऐसे मैसेज करके लिखते कि हमारे पास वो चीज़ है हम सेल करना चाहते, तो ध्यान से फ्रेंड्स कभी भी कुछ भी आपको कोई भी नंबर दो तो संभाल से उनसे कॉल कीजिए, कुछ भी बातें कीजिए, कुछ भी बाय कीजिए, पैसे दीजिए, आप डिपेंड से कीजिए कि सोच समझ के कुछ भी करना फ्रेंड्स। तो मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि मैंने आज कल नहीं तो परसों मैंने एक मैसेज देखा था कि मैंने एक फ्रेंड्स ने नंबर मेरा मांगा था, तो उसके नीचे बहुत जन ने एक मैसेज किया था कि मेरे पास ये चीज़ है वो चीज़ है आपको चाहिए क्या, आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, तो संभाल के फ्रेंड्स कभी भी कुछ भी लेते टाइम पे ऐसे चीज़ें आपको बाय करने रहेगी, तो संभाल के कुछ भी लीजिए, मैं ऐसे नहीं बोला कि मत लो, आप किसी भी चीज़ें लो, पर एक मतलब मेरे को बोलने का मतलब आपको समझ में आया तो मैं ज़्यादा बाड़ी बनने लगा, चलो ठीक है आपके ऊपर कैसे लेना। तो देख सकते हैं इसके अंदर का वाल पूरी तरह फ्रेंड्स फूट गया था, और मैंने निकाल दिया कि किसके पैर में लग भी ना जाए, तो यहाँ वहाँ तो मैंने उसको निकाल के, और दूसरी बात उसको लगाने के बाद फ्रेंड्स उसको कोई तो ऑन करने की कोशिश किया था, ऊपर का होता हेड वो फूट के कैसे फूटा आई डोंट नो, तो इसमें लगा था, देखो इसका ये स्प्रिंग था, लॉक था वो भी उसमें साथ में लगा था, तो इसमें लॉक में भी फटा था, और मैं इसको ऑन किया था, आप बोलेंगे इसको ऑन करके आपको कैसे पता चला कि ऑन किया था, इसको ऑन किया ना तभी इसके फ्रेंड्स यहाँ पे आजू बाजू में पूरा वाइड हुआ था,
तो समझ जाएगा इसको कोई तो ऑन किया था लगता है फूटने के बाद भी। तभी मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपका वायर फूट गया तो उसको वापस मत लगाइए, उसको ऑन करने की ज़रूरत ना कीजिए कि ये एक बार फूटने के बाद ये कुछ काम का नहीं है, यहाँ से वाइट वाइट धुआ आ जाएगा और वाइट हो जाएगा इतना पार्ट। तो समझ जाने का कोई तो इसको ऑन करने की कोशिश किया। अभी मैं इसको थोड़ा साफ भी करूँगा, इसको अंकल को दूंगा बनाने के लिए, थोड़ा जो यहाँ पर बन जाएगा। इतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा इसके अंदर, थोड़े वाल ही वीक रहेंगे। वायर का यहाँ पर भी कट किया। अभी मैं लास्ट में बोला था स्टोरी क्यों बताना चाहता था कि ये रेडियो मैं अपने, मेरे पास बहुत सारे न्यूज़पेपर पड़े थे और मेरे पास बहुत सारा कुछ सामान था, वो मैं अंकल कबाड़ी वाले को देने गया था, इससे कभी जाता नहीं नीचे संडे के दिन। तो अंकल के पास मैं गया और अंकल को बोला मेरे पास ये सामान है वो, और देखता हूँ तो वो अंकल के पास ये रेडियो पड़ा था। मैंने लास्ट में बोला था कि लास्ट में क्या बताना, मैं यही बताना था, देखो अंकल का फोटो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो अंकल ने मेरे को वो रियर रेडियो की इतनी प्राइस बताई, इतनी बड़ी प्राइस बताई, आपको भी सुन के आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या बता रहा है। मैंने बोला चलो ठीक है, तो मैंने बोला मैं, मेरे पास सामान है, मतलब मेरे घर पे आप आओगे तो क्या सामान होएगा उसके बदले मुझे ये दे देना, मैं मेरा सामान दे देता हूँ। तो मैं अपने घर पे लेके आया उनको, मेरे को क्या देने का था वो मैंने उनको कुछ नहीं बताया। उनको मेरे घर पे कितने रेडियो है और खुले है, बंद है, पूरे बॉक्स है, मैंने इनको दिखाया और जाके पूरे हिल गए। बोला क्या करता है क्या इतना सामान का, तू इतना क्या रखा है, क्या बेचता बिचता है, क्या ये करता है, क्या वो करता है क्या। मैंने बोला मैं बेचता बिचता नहीं हूँ, मैं छोटा सा कलेक्टर हूँ, मुझे एक नशा है, मतलब आदमी को होती है छोटी मोटी, मतलब कलेक्ट करने की चीज़ें होती है उनको, ऐसी मुझे कलेक्ट करने की ऐसी आदत है, तो उसके लिए मैं कलेक्ट करता हूँ। तो बोला चलो ठीक है दुकान पर चलते, मेरा सामान था वो उन्होंने लिया। मैंने एक चीज़ सच बताओ कि मेरे पास हिताजी का रेडियो था, मैंने उनको वो दे दिया और उसके बदले मैंने ये ले लिया, हिताजी रेडियो दे दिया। मैं वो बोला, वो मैं बोला ये अंकल आपको चाहिए, तो अंकल ने बोला हाँ ठीक है वो दे दे। और वो दुकान पे गए हम लोग, तो दुकान में बोला चल ठीक है तू रेडियो लेके जा, वो इतने खुश हो गए। और दूसरी बात मैंने बोला अंकल मेरा खुद का एक चैनल है यूट्यूब पे, तो आप देख लेना। तो YouTube पे बोलता है अंकल ने मुझे बोला मेरा फोटो आएगा, मैं बोला क्यों नहीं आएगा, तो बोला अंकल ने बोला, मैं बोला चलो ठीक है। तो मैंने बोला अंकल को बोले एक काम कीजिए, आपका एक फोटो रेडियो पकड़े, मैं आपको फोटो डाल देता हूँ और आप बताता हूँ कि मैंने आपसे रेडियो लिया। तो अंकल का वापस एक बार फोटो आ रहा, आप देख सकते हैं ये अंकल है, बहुत ही अंकल अच्छे थे, बहुत सारा बड़ा प्राइस बताया था। मैं वो टाइम पे हिल गया था कि क्या अंकल प्राइस बता रहे, कि मॉल में आ गया कि मैं शोरूम में आया, ऐसे प्राइस बताया था। तो उनको समझाओ, कोई भी किससे भी आप मीठी बात कीजिए आपको तुरंत दे देगा। मैंने उनसे थोड़ी मीठी बात की और मेरा कलेक्शन दिखाया उनको, वो हिल गए। मैंने हर जगह पर मैंने इनको दिखाया कि ऐसी कौन सी जगह नहीं कि मेरे वहाँ पर रेडियो नहीं है। फ्रेंड्स मैं हर जगह पर मेरे विंडो में, मेरा 2 BHK का रूम है, तो हर जगह पर मेरा विंडो के बाहर दो दो तीन तीन रेडियो रखे हैं मैंने। मेरी तो मम्मी अभी थोड़ी हो जाती कि ये वहाँ पर सामने रखा, तो एक बार मैं सेट कर लूँगा ना तो सब रेडियो कर दूँगा। मैं अभी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा, देख सकते इसमें सब वाल लगे, इसमें से एक वाल मिसिंग था वो मैंने लगा दिया। यहाँ पे EL84 आई थिंक वीक है, पूरी तरह रेड हो गया था। मैं इसका भी वीडियो तो बताता हूँ, ज़्यादा लाल होने से मतलब कुछ नीचे कैपेसिटर बदली करने से भी हो जाएगा ठीक, पर मैंने दूसरा वाल लगाने के बाद इसका रेड होना कम हो गया। EZ80 पूरी तरह मतलब डेट है, तो मैंने वो भी लगा के देखा। बाद में इसमें से मैंने इतना ज़्यादा टाइम नहीं था तो इसको बंद कर दिया फ्रेंड। तो कभी भी अपने मैकेनिक को ही दिखाना बाय करते टाइम पे, एक बार तो अपने मैकेनिक को पूछना भाई मेरे को रेडियो लूँ क्या नहीं लूँ, वो बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, और कितना टाइम लगेगा, उसके पास कितना काम है, कितना नहीं काम है, वो भी देखना, नहीं तो उसके पास पढ़ पढ़ के रख रख के और ख़राब हो जाएगा। ऑलरेडी देखो उसकी कंडीशन ऐसी है, तो कोशिश करना कि ये रेडियो जल्दी से जल्दी बने और फ्रेश बने, अच्छी काम बने। अभी मैं इसका नीचे का भी दिखाता था कि आप देख सकते हैं, इसका नीचे का बोर्ड भी है फ्रेंड्स, मैंने निकाल के रखा है, देख सकते हैं पूरी तरह इसके कॉइल्स भी बहुत अच्छे हैं। देखो ये वाला फ्रेंड्स, ये आई थिंक ये गया रहेगा, सेल की तरह लग रहा है। और देखो अंदर एक है इसका पावर ट्रांसफार्मर का ही बोलता है, इसमें एल्यूमिनियम की तार लगी है, उसके ही ज़्यादा पैसे आएंगे, ये वो बहाने बताने लगा। मैं वो टाइम पे उसको कुछ बोला नहीं था, बोला चलो ठीक है अब उसको बोलने का है तो बोलने दो, उसका
टाइम है बोलने का, अपने को रेडियो लेने से मतलब है। तो मैंने देखो इसका पावर ट्रांसफार्मर बड़ा वाला ऊपर है, ये वॉल्यूम ट्रांसफार्मर है फ्रेंड्स। मैं आगे लेके कैमरा दिखाता हूँ। इसका सब फ्रेश अंदर कंडीशन में है, थोड़ा ज़्यादा काम नहीं रहेगा, मैं वापस एक बार ट्राई करूँगा तो चालू हो जाएगा। एक बार इसको खोलने के चक्कर में हूँ, खोलने के बाद इसको बाहर निकालूंगा तो अच्छी तरह इसको ब्लो मशीन मार के देखूंगा कि कहाँ पे कौन सी वायर टच बीच नहीं हो रही। तो ये रेडियो उनके पास है तो थोड़ा पटका विटका रहेगा तो ज़रा संभाल के देखना तो पड़ेगा, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो रेडियो के 1, 2, 4 जाएगा फ्रेंड्स। कभी भी कलेक्शन के लिए लेते टाइम पे किससे भी लोगे तो संभाल के लेना और थोड़े कम पैसे में बाय करना, चारों कॉर्नर देखना। मैं बहुत आज ज़्यादा रेडियो में बात कर, सॉरी फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, रेडियो के बारे में बोलना चाहिए। अभी मैं इसको पॉलिश विलिश करने को दूंगा। अभी ये रेडियो फिनिश होने के बाद इसका मैं एक बार आपको बताऊंगा कि कैसे ये रेडियो बना और ऑन वाला भी बताऊंगा। तो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, लाइक करना, शेयर करना, वीडियो देखते रहना फ्रेंड्स, आते रहेंगे। अभी ज़्यादा करके वाल वाले रेडियो आएगी, मैं कोशिश करूँगा वाल वाले रेडियो डालने की। तो वीडियो में यही स्टॉप कर दें तो वीडियो बढ़ जाएगी। बाय फ्रेंड्स।